सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी तड़प के बारे में, मतलब इसकी कहानी या और कुछ नहीं, इसकी रिलीज डेट के बारे में, जो इतना तड़प रही है अपनी ओटीटी रिलीज को लेके। वैसे एक सवाल मेरे मन में कई बार आ चुका है कि क्या ये मूवी इतनी बड़ी है भी जितनी यूट्यूब पे इसकी हाइप बन चुकी है। कॉमेंट्स में अपनी भी राय जरूर देना, मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। तो असल बात जो है कि अभी तक क्यों नहीं रिलीज हुई है और आएगी तो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। सबसे पहले हम अमेजोन पे वेट कर रहे थे और अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसका ट्रेलर तो उन्होंने बहुत टाइम पहले डाला था लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है, जिसके नीचे कमिंग सून लिखा आ रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में, और अगर सीधा मुद्दे की बात सुननी है तो इस वीडियो को लास्ट के एक मिनट तक ले चलो। तो पूरा देखें इस वीडियो को और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। तो मेरी इस वीडियो के समेत सब लोग इसकी रिलीज अपडेट को लेके व्यूज बटोर रहे हैं यूट्यूब पे। तो करीब एक मंथ से मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं जिनको इस तड़प की तड़प लग रही है कि ये मूवी कब ओटीटी पे रिलीज हो रही है और किस चैनल पे आ रही है। तो बिना किसी मेजर अपडेट के भी यूट्यूब पे ढेरों ऐसी वीडियोस मिल रही हैं। चलो, नो जजमेंट्स फॉर अदर वीडियोस। लेकिन अभी इस मूवी के मेकर्स भी सोच रहे होंगे कि कितनी हाइप बन रही है यूट्यूब पे तड़प मूवी को लेके, तो इसका ओटीटी प्राइस भी ज्यादा होना चाहिए। और मानो या ना मानो, ये मूवी डिले कहीं ना कहीं उसी की वजह से हो रही है। चलिए इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। वैसे मैं कोई नई अपडेट का बम नहीं फोड़ने वाला हूँ, बस मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है और मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे पता है वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चल क्या रहा है कि अमेज़न ने तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी, बस जो भी है ऑनलाइन बस र्यूमर्स ही चल रहे हैं। एक जाने ने बोल दिया कि अमेज़न पे आ रही है, तो सभी यूट्यूबर्स एंड बाकी लोग उसी अपडेट को फॉलो कर रहे हैं। एक यूट्यूबर से लेके दूसरे तक बस यही न्यूज चल रही है। अब असल में हो क्या रहा है, तड़प मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे या अमेज़न पे आने वाली है, इन दोनों में इकट्ठे ही या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट फ्राइडे मतलब 21 जनवरी को या उसके नेक्स्ट फ्राइडे 28 जनवरी को ही आएगी। ये दो डेट्स हैं, इनमें से किसी भी डेट को आ सकती है, क्योंकि अभी थिएटर लीज की तरह ही ओटीटी वाले भी हर बड़ी लीज को वीकेंड में ही रखते हैं ताकि वीकेंड में ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकें। अब ये तड़प मूवी रिलीज क्यों नहीं हो रही है और अभी तक इसकी रिलीज के बारे में कुछ भी कन्फर्म अपडेट नहीं आई है, तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है तो तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। अब ये तड़प मूवी रिलीज क्यों नहीं हो रही है उसके बारे में मैं अब अपनी नॉलेज के हिसाब से समझाता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो जानते हैं कैसे। अब हर मूवी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वाले बाय करते हैं। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड मेकर्स की आपस की मीटिंग में डिसाइड होता है कि ये मूवी थिएटर रिलीज के कितने टाइम बाद और कितने टाइम के लिए उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम की जाएगी। एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने कोई मूवी बनाई है तो दो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न और डिज्नी वाले मेरे पास आए मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने के लिए। तो मैंने बोला कि मैंने अपनी मूवी का 1 करोड़ बेस प्राइस रखा है। अब अमेज़न वाले बोले हम 80 लाख देते हैं इस मूवी का, और डिज्नी प्लस वाले बोले कि हमें भी राइट्स चाहिए लेकिन हम भी 1 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, 85 लाख देते हैं, तो मुझे कम पैसा मंजूर नहीं। तो मैंने दोनों को बोला तुम दोनों ये मूवी ले लो और मुझे 50-50 लाख दे दो। तो मैंने बोला ये एक वर्बल कमिटमेंट है लेकिन फाइनल डिसीजन एंड कॉन्ट्रैक्ट इसकी थिएटर रिलीज के 3-4 हफ्ते के बाद ही डिसाइड होगा। चलो सब हो गया, थिएटर में भी फिल्म बढ़िया चली और रिव्यूज भी अच्छे आए और यूट्यूब पे हाइप भी बढ़िया बन गई। तो मैं बोला अभी यार मेरी मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है तो मुझे ज्यादा प्राइस चाहिए। तो बात अभी यहीं पे आके अटकी है मुझे ऐसा लगता है, और ये अब कब डिसाइड होगा ये बात अंदर की है और उन तीनों में डिसाइड होगा, और कोई भी चौथा बंदा पक्की न्यूज रिलीज को लेके नहीं दे सकता जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। मैंने ये वीडियो आपके वहम दूर करने के लिए बनाई है, तो बस इंतजार करें। और बाकी कोई सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा lockdown.entertainment33 पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।